एक घंटा है। एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जिन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ? यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। वी, तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है, उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें एक घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर, अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा। इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो, ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली, फुर्सतगंज की वॉच टावर में बड़ी घड़ी है, वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से। हर कोई हालो, बुला बुला तीरू बाला, तीरू बाला। करने के मूड में ही नहीं है, अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे, तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूँगा और वो फूल कहाँ है पता करके तुम्हें बताऊँगा। गुड आइडिया चुलबुल, विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। भोला भोला तीरु भाला, तीरु भाला, जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। इमली, चुलबुल खतरे में है, उसके साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है, दोनों को बचाना होगा। अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। छोड़ दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला, हुला, ले जाओ इसे। आज हदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। We'll be right back.
न्यू की पीछा करो। थैंक यू वीर। यू आर वेलकम चुलबुल। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओ, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला, न्यूकी न्यूकी, इधर इधर से चलो, वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? ओ, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर। ओके। बचाओ, हेल्प! चुलबुल, मैं आ रहा हूँ। स्लाइडिंग व्हील ऑन। स्लाइडिंग व्हील ऑन। तुम यहाँ कैसे अटक गए? अरे पहले छुड़ा तो लो, फिर बात करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? मैं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ था। मेरी बात छोड़ो, तुम लोग अपनी बात बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे तुमसे क्या छुपाना है चुलबुल, हम तो होमवर्क की बातें कर रहे हैं। फिर भाग गए ये लोग, मैं भी पता करके ही रहूंगा कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अब बचा है डेकोरेशन और लोकेशन। पार्टी कहाँ दी जाए और डेकोरेशन कैसा होगा? डेकोरेशन का काम चिंटू को दे देते हैं। अच्छा आइडिया है। जिंटू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। कुछ ऐसा करो कि मैं वीर और इमली की बात सुन सकूं और उन्हें पता भी ना चले। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ये लो, ये फ्लाइंग कारपेट है। जहाँ वीर इमली बात कर रहे हो वहाँ तुम उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी सारी बातें सुन लेना। ओके, थैंक्स। ये कारपेट स्पेशल है, जो इस पे बैठता है ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये वीर का घर है। हाँ, क्या लाए हो? मैं अल्फा बेकरी से आया हूँ, ये उसका ऑर्डर है। लाओ दे दो, मैं वीर को दे दूंगा। मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। मैं वीर को बुला के लाता हूँ। तो ये मेरे बिना अकेले अकेले पार्टी करना चाह रहे हैं। कल तक मैं इनका अपना था, आज गैर हो गया, अब ये सब मैं खाऊंगा, इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। सब सामान का बैग तो यही था चुलबुल के हाथ में। ओफो, उसके हाथ में क्यों दिया? वो सुबह से ही नाराज है, अब और नाराज हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। हाय चुलबुल, मेरा नाम गोटिया है, ये है मेरा दोस्त बंदा, ये अपोरी और वो टपोरी। हाय, तुम लोग मेरा नाम जानते हो? हम तुम्हारा घर भी जानते हैं। दिखाओ इस बैग में क्या लेके जा रहे हो। हमें भी बड़ी भूख लगी है। ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। इसे भरा हुआ पूरी डेरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए, जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चाट, वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब क्या हो रहा भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है, एक के नाम जो ना चटोरी रख दे। हाँ,
भूल गया। ये चिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें? उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए के खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ खाए जाओ। ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो? ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे